वेलकम टू फूड एंड मम्मी। आज हम बिना दूध के बहुत ही सॉफ्ट और प्रोटीन से भरा हुआ पनीर बनाएंगे, जो कि एक मसाला पनीर है या आप इसे टोफू भी कह सकते हैं। ये हमने बनाया है छोले में से, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने छोले लिए हैं, उसे मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कि ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका छिलका भी इजीली निकल गया है। अब हम इसे कर देंगे क्रश। उसके लिए मैंने इसे एक मिक्सर जार में डाल दिया है। उसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट। इसे हम 2-3 बार घुमाकर फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी ही चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में ले लेंगे और फिर से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी बना देनी है। एक पैन में हम इस बैटर को पोर कर देंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, कंटिन्यूस स्टर करना है ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और उसी के साथ थोड़ा कटा हुआ धनिया। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर देता है। इसे हम ऐसे मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये ऐसे कढ़ाई ना छोड़ दे। ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में पक जाता है। एक प्लेट को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और इस डो को हम इसमें पोर कर देंगे। 5 से 7 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा और ये बिल्कुल ही पनीर के जैसा तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मसालेदार पनीर। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप इसे फ्रेंकी की टिक्की में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज इसकी स्टिक्स बनाई हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, उसको हल्के से तेल से ग्रीस कर लिया है और हमारी जो स्टिक्स है इसे हम चारों साइड से धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। 5 मिनट में या 6 मिनट में पक कर ये रेडी हो जाती है। स्लो आंच पर पकाइए ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे से पक चुकी है। अब मैं इसे साइड से पका रही हूँ। इस तरह से मैंने चारों साइड से इसे क्रिस्पी कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी सीजनिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर ज़टर पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो ऑरेगानो भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज़ किया है और मैंने इसे गार्निश किया है कुछ लेटस लीव्स और टोमेटो सॉस के साथ। और ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर इंडियन स्टार्टर तैयार है।